एक बड़ी खबर, ईरान के नौवे राष्ट्रपति बने मसूद पजेश्कियन को 1,64,00,000 वोट मिले हैं। बता दें पजेश्कियन ने कट्टरपंथी सईद जलीली को 30,00,000 वोटों से हराया है। ईरान में 5 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। पजेश्कियन हिजाब का विरोध करते रहे हैं। खबर के मुताबिक तबरीज से सांसद पजेश्कियन सबसे उदारवादी नेता के रूप में लोकप्रिय है। पजेश्कियन को पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी का करीबी बताया जाता है। पजेश्कियन पूर्व सर्जन और फिलहाल देश के स्वास्थ्य मंत्री है। वे अमेरिका को पजेश्कियन अपना दुश्मन मानते हैं। बता दें ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर क्रैश में रईसी की मौत हो गई थी। रईसी की मौत के बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई थी। बता दें इसी साल फरवरी में इब्राहिम रईसी चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने थे।